गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे श्वेता। आज आपके लिए लेकर आई हूँ ज्ञान और विवेक के बारे में बातें मॉर्निंग मोटिवेशन में। क्या आपको पता है खुशहाल जीवन जीने के लिए ज्ञान और विवेक दोनों का होना जरूरी है? अब आप कहेंगे कि ज्ञान और विवेक एक ही तो है। ना ना, ज्ञान और विवेक एक जैसे दिखते हैं पर होते नहीं। ऐसा है कि आप या हम जो कुछ स्कूल में सीखते हैं या आसपास जो देखते हैं, दूसरों से जो सुनते हैं, यह सब ज्ञान की श्रेणी में आता है। और वहीं विवेक वह है जब हम इन सुनी सुनाई पढ़ी लिखी बातों को सही समय पर सही जगह पर अप्लाई करते हैं। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए ज्ञान और विवेक दोनों का ही महत्व होता है। हम किसी एक को वरीयता नहीं दे सकते, हमें संतुलित रखना होगा इन दोनों को। आज के संसार में जब हम लगातार सूचनाओं से घिरे हुए हैं, अक्सर हम सोचते हैं अपने मस्तिष्क से। कई बार तो ऐसा लगता है मानो हम ज्ञान के मारे फटने वाले होते हैं। परंतु आप अपना जीवन किस तरह से जीते हैं, यह पूरा का पूरा आपका निर्णय होता है। यही वजह है कि आपके पास विवेक होना चाहिए, ताकि आप जीवन के विविध उपाय जानने के बाद स्वयं तय कर सकें कि आपको किस तरह से अपना जीवन जीना है। आप उतना देखें जितना आप देख सकते हैं, आप उतना महसूस करें जितना आप महसूस कर सकते हैं। यह ध्यान दें कि आपको अपने दिमाग से सोचना है। इसी तरह आनंद भी है। जो लोग अपने काम को भरपूर आनंद के साथ करते हैं, उनके पास आंतरिक शांति पाने की संभावना अधिक होती है। अक्सर वे जिस चीज का आनंद ले रहे होते हैं, उनके सामने दिखने वाली चीजें उनके भीतर अवसर में बदलने की संभावना होती है। तो आप जो भी कर रहे हैं उसे करना छोड़कर जीना प्रारंभ करें। जेन सरल जीवन जीने की किताब से साभार शुनम्यो मसुनो, जो कि जैन बौद्ध मठ के प्रमुख भिक्षु हैं जिन्होंने यह किताब लिखी। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।